हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और ये यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम यूजर एड कमांड का एडवांस यूज सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, टू ऐड यूजर अकाउंट विथ स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी डिफॉल्ट सेल कस्टम कमेंट। यानी किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट करते समय आपको उसको एक स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन करना है, डिफॉल्ट सेल असाइन करना है और उसको कस्टम कमेंट असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं राजवीर नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ और उसको मैं स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी /etc/rajveer असाइन करना चाहता हूँ, डिफॉल्ट सेल /bin/bash और उसको कमेंट असाइन करना चाहता हूँ कस्टम कमेंट राजवीर सिंह। तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर एड हाइपन स्पेस हाइपन स्मॉल डी /et/rajveer स्पेस हाइपन सी डबल इनवर्ट कोमा में राजवीर सिंह आपको टाइप करना है और उसके बाद स्पेस हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन स्पेस यूजर नेम। और इस कमांड को आप विदाउट हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन के भी यूज कर सकते हैं, जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया, सेकेंड कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, यूजर एड स्पेस हाइपन डी /etc/rajveer स्पेस हाइपन सी और डबल इनवर्ट कॉमा में आपको राजवीर सिंह लिखना है और स्पेस यूजर नेम। तो यूजर नेम आपको राजवीर लिखना है, हाइपन डी उसको स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन करने के लिए, हाइपन सी उसको कमेंट असाइन करने के लिए। अब अगर आपको डिफॉल्ट सेल असाइन करनी है तो उसके लिए आपको अलग से कुछ ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेल /bin और बेस ही किसी यूजर अकाउंट को असाइन होती है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेल असाइन करना है किसी यूजर अकाउंट को तो उसके लिए आपको हाइपन स्मॉल एस यूज करना पड़ेगा, स्मॉल एस ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उस यूजर अकाउंट को उस समय आप एक स्पेसिफिक ग्रुप आईडी असाइन कर रहे हैं तो उस समय आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि जिस नाम का आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ये उसी नाम का यूजर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करता है उस यूजर के लिए, जो उस यूजर के लिए प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। तो अगर आप ग्रुप आईडी असाइन कर रहे हैं किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट करते समय तो उस ग्रुप आईडी का ग्रुप, जिस ग्रुप की ग्रुप आईडी वो होगी, वो ग्रुप उस यूजर के लिए एज ए प्राइमरी ग्रुप वर्क करेगा। तो उस समय आपको उस यूजर के लिए अलग से प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप हाइपन यू ऑप्शन कैपिटल यू ऑप्शन यूज करेंगे और ग्रुप आईडी भी आप उसको असाइन कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रुप आईडी, तो ये कमांड आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। तो जब भी आप किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट करते समय कोई स्पेसिफिक ग्रुप आईडी आप उसको असाइन कर रहे हैं तब आपको यूजर एड कमांड के साथ में हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन यूज नहीं करना है। तो हम इन कमांड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रूट यूजर से लॉग इन करना है, उसके बाद टर्मिनल ओपन कीजिए, और यहां पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है यूजर एड हाइपन /etc/rajveer और हाइपन सी राजवीर सिंह, और मैं हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन यूज नहीं कर रहा हूं, तब भी उसका ग्रुप प्राइमरी ग्रुप क्रिएट होगा। अगर आप हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन यूज नहीं करेंगे और उसको ग्रुप आईडी असाइन कर रहे हैं तब उसका अलग से कोई प्राइमरी ग्रुप क्रिएट नहीं होगा, जो आप ग्रुप आईडी असाइन कर रहे हैं वही ग्रुप आईडी, जिस ग्रुप की ग्रुप आईडी वो होगी वही ग्रुप उस यूजर अकाउंट के लिए एज ए प्राइमरी ग्रुप वर्क करेगा। अगर आप हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो वो उसके लिए अलग से एक प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करेगा। अगर आप यूजर एड कमांड के साथ में किसी यूजर को
क्रिएट करते समय अगर उसको आपको स्पेसिफिक ग्रुप आईडी असाइन नहीं कर रहे हैं और आप हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन भी उसके साथ यूज नहीं कर रहे हैं, तब ये उस यूजर के लिए प्राइमरी ग्रुप क्रिएट करेगा। तो अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं और यूजर नेम लिख देता हूं राजवीर। तो देखिए हमारा यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसको चेक कर लीजिए, गेट स्लैश ETC पास WD। इसमें यूजर अकाउंट की लॉगिन इंफॉर्मेशन होती है और इस कमांड के आउटपुट को हम फिल्टर कर देते हैं ग्रेप कमांड की सहायता से, गेट स्लैश ETC पास WD पाइप ग्रेप राजवीर। तो देख लीजिए राजवीर इसका यूजर अकाउंट है और 1001 इसकी यूजर आईडी है और 1001 इसकी ग्रुप आईडी है और इसको हमने कोई भी ग्रुप में स्पेसिफिक ग्रुप असाइन नहीं किया है। राजवीर सिंह इसका पूरा नाम है, स्लैश ETC स्लैश राजवीर इसकी होम डायरेक्टरी है, स्लैश बिन स्लैश बैश इसकी डिफॉल्ट सेल है। तो जब भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उनकी डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी स्लैश होम में क्रिएट होती है। तो ls-l स्लैश स्लैश होम यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर राजवीर नाम की कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है, जबकि आप चेक कर सकते हैं ls-l स्लैश ETC राजवीर। तो यहां पर उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है और ls-al ए फॉर हिडन फाइल्स को शो करने के लिए यूज होता है ए ऑप्शन। ये करके देखेंगे तो यहां पर आपको डॉट डॉट करके कुछ फाइल्स नजर आ रही है जो उसकी डॉट बेस जो हमने देखी थी बेस RC बेस अंडरस्कोर प्रोफाइल, ये फाइल जो हिडन फाइल होती तीनों हिडन फाइल वो यहाँ पर कॉपी हो जाती है जब भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार आप useradd कमांड के सहायता से किसी यूजर को स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी डिफॉल्ट सेल और कस्टम कमेंट आप उसको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टू एड यूजर अकाउंट विद स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी कस्टम सेल कस्टम कमेंट एंड UID एंड GID। अब यहां पर हमें यूजर अकाउंट को क्रिएट करते समय उसको स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी भी असाइन करना है, कस्टम सेल असाइन करना है, कस्टम कमेंट असाइन करना है और कस्टम UID और GID उसको असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं महेश नाम का यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं और उसको मुझे होम डायरेक्टरी असाइन करना है स्लैश /etc/ महेश, कस्टम सेल असाइन करना है स्लैश /bin/zsh, UID उसको असाइन करना है 1100, GID उसको असाइन करना 1002 और कस्टम कमेंट उसको असाइन करना महेश शर्मा जो कि उसका फुल नेम है। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा useradd स्पेस -d स्पेस /etc/महेश स्पेस -c डबल इनवर्टेड कमा आपको टाइप करना महेश शर्मा स्पेस -s/bin/zsh स्पेस -u1100 UID के लिए -g1002 उसको स्पेसिफिक GID असाइन करने के लिए स्पेस यूजर नेम महेश, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। और यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप आईडी जो GID जो स्पेसिफिक GID आप उस यूजर अकाउंट को असाइन कर रहे हैं तो उस GID का ग्रुप आपके मशीन में ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। अगर उस GID का कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है आपके मशीन में, जिस ग्रुप की GID 1002 है और उस GID का कोई भी ग्रुप आपके मशीन में अवेलेबल नहीं है तो ये कमांड जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तब ये एरर मैसेज शो करेगा कि डेट ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, द ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, ऐसे एरर मैसेज आपको शो करेगा। तो कहने का यह मतलब है कि जो ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है आपके मशीन में
उन्हीं ग्रुप का ग्रुप आईडी या ग्रुप आप उन यूजर को असाइन कर सकते हैं। यानी जो ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, यानी जिस आईडी का ग्रुप क्रिएटेड नहीं है लिनक्स मशीन में, उस ग्रुप आईडी का, उस ग्रुप आईडी को आप यूजर अकाउंट को असाइन नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी ग्रुप आईडी आप असाइन कर रहे हैं, उस ग्रुप आईडी का ग्रुप पहले से आपके मशीन में क्रिएटेड होना चाहिए। तो यहां पर हाइपन डी उसको स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन करने के लिए, हाइपन सी कस्टम कमांड असाइन करने के लिए, हाइपन एस डिफॉल्ट सेल असाइन करने, कस्टम सेल असाइन करने के लिए, और यूआईडी असाइन करने के लिए हाइपन यू, और जीआईडी असाइन करने के लिए हाइपन जी ऑप्शन हमने यूज किया है। और यहाँ पर हम हाइपन कैपिटल यू ऑप्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्रुप आईडी उसको असाइन कर रहे हैं, और जो ग्रुप आईडी हम असाइन कर रहे हैं उस ग्रुप आईडी, जो इस ग्रुप की ये ग्रुप आईडी है, वो ग्रुप इस यूजर अकाउंट के लिए एज ए प्राइमरी ग्रुप वर्क करेगा। तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यूजर एड, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप अवेलेबल हैं। केट स्लैश ईटीसी ग्रुप, इस फाइल में ग्रुप की, सभी ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर राजवीर नाम का एक ग्रुप अवेलेबल है, माई सोल्यूशन नाम का एक ग्रुप अवेलेबल है। तो हम राजवीर नाम का, राजवीर ग्रुप की ग्रुप आईडी इस यूजर को असाइन करते हैं। राजवीर ग्रुप की ग्रुप आईडी है 1001। यूजर एड हाइपन डी स्लैश ईटीसी महेश, और हाइपन सी महेश शर्मा, हाइपन एस स्लैश बीन जेड एस एच, और हाइपन यू, मैं इसको ग्रुप आईडी असाइन कर रहा हूँ 1100, ये सॉरी यू आईडी, और ग्रुप आईडी 111, और यूजर नेम महेश, एंटर। तो देख लीजिए ये यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और अब इसकी इंफॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं, लॉगिन इंफॉर्मेशन। तो देख लीजिए महेश उसका यूजर नेम है, 1100 उसकी यूआईडी है, 1001 उसकी ग्रुप आईडी है, महेश शर्मा उसका पूरा नाम है, स्लैश ईटी स्लैश महेश उसकी होम डायरेक्टरी है, स्लैश बीन स्लैश जेड एस एच उसकी का सेल है, लॉगिन सेल है। तो यहां पर अगर आपको चेक करना है कि इसकी ग्रुप मेंबरशिप चेक करनी है महेश यूजर की, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा ग्रुप्स स्पेस यूजर नेम यानी महेश। तो राजवीर इसका प्राइमरी ग्रुप है, और एक कमांड और है जिससे आप चेक कर सकते हैं आईडी महेश। ये दोनों कमांड से आप उनकी ग्रुप मेंबर, किसी भी यूजर अकाउंट की ग्रुप मेंबरशिप आप चेक कर सकते हैं। और गेट स्लैश ईटीसी ग्रुप, तो देख लीजिए यहां पर महेश नाम का कोई भी ग्रुप अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है। तो महेश नाम का इसमें कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक ग्रुप आईडी असाइन पहले से कर दिया था। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी असाइन कर सकते हैं, उसको कस्टम सेल असाइन कर सकते हैं, उसको कस्टम कमेंट असाइन कर सकते हैं, कस्टम यूआईडी असाइन कर सकते हैं, और कस्टम जीआईडी भी उसको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू एड यूजर अकाउंट विदाउट होम डायरेक्टरी, नो सेल, नो ग्रुप एंड कस्टम कमेंट। यानी आपको एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है जिसको कोई भी होम डायरेक्टरी असाइन नहीं करनी है, और कोई भी सेल असाइन नहीं करना है, और कोई भी उसका ग्रुप क्रिएट नहीं होना चाहिए, और उसको कस्टम कमेंट असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्षय नाम का एक ग्रुप, एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर एड हाइपन कैपिटल एम ऑप्शन, उसके बाद हाइपन कैपिटल एन ऑप्शन, उसके बाद हाइपन स्मॉल एस ऑप्शन,
/bin/false --c, डबल इनवर्टेड कॉमा में आपको उसका कमेंट जो भी आप असाइन करना चाहते हैं वो लिखना है या टाइप करना है, अक्षय शर्मा इस यूजर को मैं असाइन करना चाहता हूं, उसके बाद यूजर नेम। तो हाइफन नेम ऑप्शन का यूज ये है कि वो यूजर अकाउंट विदाउट होम डायरेक्टरी का क्रिएट होगा, यानी यूजर अकाउंट क्रिएट होगा लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। पास्ट अपडेट फाइल में जरूर बताएगा /et/akshay उसकी होम डायरेक्टरी, लेकिन /home डायरेक्टरी जो जहां पर यूजर की डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है वहां पर उस यूजर की होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। हाइपन कैपिटल एन ऑप्शन का यूज ये है कि वो यूजर अकाउंट तो क्रिएट होगा लेकिन उसका ग्रुप क्रिएट नहीं होगा। और हाइपन स्मॉल एस ऑप्शन उसको सेल असाइन करने के लिए, हाइपन सी कस्टम कमेंट असाइन करने के लिए। तो चलिए हम इसको यूज करके देख लेते हैं। Useradd -M-N-S और /bin/false। हाइपन सी अक्षय शर्मा और उसके बाद अक्षय। तो यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। /etc/passwd-grep-akshay। तो देख लीजिए अक्षय उसका यूजर नेम है 1101, उसकी यू आई डी है 100, उसकी ग्रुप आईडी है अक्षय शर्मा उसका पूरा नाम है, /home/akshay उसकी होम डायरेक्टरी है और /bin/false उसकी लॉगिन सेल है। और चेक कर लीजिए कि इसका ग्रुप क्रिएट हुआ या नहीं। तो देख लीजिए यहां पर अक्षय नाम का कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं हुआ है। उसके बाद उसकी होम डायरेक्टरी चेक कर लीजिए ls-l/home। तो देख लीजिए यहां पर उसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट नहीं हुई, वहां पर शो जरूर कर रहा है कि इसकी होम डायरेक्टरी /home/akshay है, लेकिन /home/directory में अक्षय नाम की कोई भी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है, यानी यहां पर सिर्फ शो कर रहा है लेकिन होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट को विदाउट ग्रुप, विदाउट सेल और विदाउट होम डायरेक्टरी के आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टू क्रिएट ए सिस्टम यूजर अकाउंट। सिस्टम यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिनक्स मशीन में कमांड यूज होता है /usradd -m-n-r और /username। हाइपन एम ऑप्शन इसलिए यूज होता है ताकि उस यूजर की होम डायरेक्टरी क्रिएट ना हो, हाइपन एन ऑप्शन इसलिए क्रिएट यूज होता है ताकि उस यूजर का कोई भी उस यूजर अकाउंट के लिए कोई भी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप क्रिएट ना हो। हाइपन आर ऑप्शन सिस्टम यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो यूज कर एग्जीक्यूट करके देख लीजिए कौन सा यूजर है, विकास। Useradd -M-n-r और विकास। तो Useradd हो चुका है। /etc/passwd-pipe-grep-vikas। तो देख लीजिए विकास उसका यूजर नेम है 990 उसकी यूआईडी है। तो 990 यूआईडी ये बता रही है कि वो एक सिस्टम यूजर अकाउंट है। ठीक है, कैसे पता चला 990 से, क्योंकि रेड हैट लिनक्स 7 में 1 से लेकर के 999 तक जो यूआईडी है वो सिस्टम यूजर्स के लिए रिजर्व रहती है और नॉर्मल यूजर्स के लिए
यूआईडी 1000 से स्टार्ट होती है और 990 1000 से बिलो यूआईडी है। तो ये यूआईडी बता रही है कि ये जो यूजर अकाउंट है वो सिस्टम यूजर अकाउंट है। जीरो यूआईडी रूट यूजर के लिए रिजर्व रहती है, उसी प्रकार 1 से लेकर के 999 तक जो यूआईडी होती है वो रेड हैट लिनक्स 7 में सिस्टम यूजर्स के लिए रिजर्व रहती है और नॉर्मल यूजर्स के लिए यूआईडी 1000 से स्टार्ट होती है। और स्लैश होम स्लैश विकास इसकी होम डायरेक्टरी है, तो चेक कर लीजिए ls-l/home। तो देख लीजिए यहाँ पर विकास नाम की कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है। और /etc/group तो यहाँ पर चेक कर लीजिए विकास नाम का कोई भी ग्रुप यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आप रेड हैट लिनक्स 7 में सिस्टम यूजर अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके माय सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं माय सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।